नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, कल कांग्रेस बाकी के उम्मीदवारों की घोषणा करने वाली है। कल बची 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। बचे 5 नामों पर सहमति बन चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की ओर से ये बात कही गई। कल सीसी की बैठक के बाद नाम सामने आ जाएंगे। दीपक बैज ने ये बात कही। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तृप्ति सोने इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है, सीधे उनका रुख करते हैं। तृप्ति, कल बाकी की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उस पर नाम आ जाएंगे। क्या जो 5 लोकसभा सीटें हैं, जिस तरीके से हमने इसमें देखा कि कई बड़े चेहरों को मौका दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है, चाहे हम यहां पर कई ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है, क्या इस जो 5 नाम आएंगे उनमें भी कुछ इसी तरीके की रणनीति कांग्रेस की ओर से बनाई जाएगी? जाहिर तौर पर इसलिए सोनाली, क्योंकि जो हमने 6 नाम देखे हैं वो 6 ऐसे नाम हैं जिनमें एक समीकरण सदता दिख रहा है। महासमुंद से तामधो साहू को टिकट दी तो साहू बाहुल्य इलाका है और वहां से साहू प्रत्याशी ही जीतते आए हैं। तो ऐसे में इस बार काफी रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी ने टिकट बांटे हैं। लेकिन बची 5 सीटों की बात कर ली जाए, जिसमें एक हाई प्रोफाइल सीट बस्तर की मानी जा रही है, क्योंकि पीसीसी चीफ जो प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं और बस्तर से सांसद भी हैं, वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या पार्टी उन्हें लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, क्योंकि पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इसके चूंकि विधानसभा चुनाव में भी वो सांसद थे और उन्होंने चित्रकूट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन पार्टी वो अपनी सीट नहीं ले पाए थे। ऐसे में बस्तर पर भी एक फोकस लगा हुआ है। जो सिटिंग सांसद हैं उनमें से एक की स्थिति तो क्लियर हो गई कि ज्योत्सना महंत को रिपीट किया है कांग्रेस पार्टी ने कि ज्योत्सना महंत कोरबा से दोबारा लड़ेंगी, लेकिन बस्तर से क्या होगा इस पर सवाल बना हुआ है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि पार्टी फैसला करेगी। अब 5 नाम कल जारी हो जाएंगे जिन पर अब नजरें टिकी हुई है कि ये 5 और कौन होंगे। अभी तक जो दिख रहा है वो हारे हुए जो प्रत्याशी है उन पर दांव कांग्रेस पार्टी खेल रही है। ठीक है, ठीक है तृप्ति, आप नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कल जो 5 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की बची हुई है उन 5 सीटों पर भी नाम आ जाएंगे। सीसी की बैठक होगी, उसके बाद नाम फाइनल हो जाएंगे।